वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे उस हॉट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में इस वक्त हर इंडियन बात कर रहा है, और वो न्यूज ये है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिस पर भारतीय अवाम और मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने शर्मा के होते हुए हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दे दी है। जी नाज़रीन, लेकिन मुंबई इंडियंस ने ये ब्लेम भी हार्दिक पांड्या पर ही डाला है कि ये उनकी अपनी कंडीशन थी कि वो मुंबई इंडियंस में वापस सिर्फ इस कंडीशन में आएंगे कि अगर उनको कैप्टन बना दिया जाए, जिस पर इंडियन अवाम हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल कर रही है। बहुत सी मीम सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। इस पर हार्दिक पांड्या के फैंस भी उन्हें डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय जनता इस फैसले से नाखुश है। नाज़रीन बताते चलें कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए इससे पहले 5 आईपीएल जीते हुए हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक ही आईपीएल जीता है, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन्स से ट्रेड कर लिया है और उनको अपनी टीम का कैप्टन बना लिया है। इस पर रोहित शर्मा का कहना था कि उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई, निजमेंट ने उनसे पूछना तो दूर, उनको बताना भी गवारा नहीं किया। तो चलिए नाज़रीन, इस पर कुछ मीम्स देख लेते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बताना मत भूलिएगा।